हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ में। फ्रेंड्स, आज मैं एक चीज़ की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, कार से रिलेटेड। ये क्या कहते हैं, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी यूज़ करनी चाहिए। अभी मैंने क्या कहते हैं लगभग 5-6 दिन पहले इसे परचेस करा है अपने फ्रेंड से। वेस्टीज इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिससे मैंने इसे परचेस करा है, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है इसका। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप सब लोग कार बाइक जरूर ड्राइव करते हैं, मोस्टली सभी व्यूवर्स के पास होगी, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके मतलब की चीज़ है ये, इसमें से जिसको भी समझ में आएगा वो बाद में मैं बताऊंगा कि कहाँ से आप इसे कैसे परचेस कर सकते हैं और कितने रुपए में परचेस कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और घंटी वाला बटन प्रेस करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वही बॉक्स है जैसे कि मैंने अभी आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था। कार, बस, जेसीबी और बड़े व्हीकल्स, इनके सबके लिए ये सफिशिएंट है, हर चीज़ में काम करता है। और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में अब बताता हूँ। मेड इन कोरिया है ये, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पास से। ये देखिए, मेड इन कोरिया दिख रहा होगा आपको। अब हम में से बहुत से जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कोरियन ब्रांड यूज करा होगा, और बहुत से कार से एक्सेसरीज रिलेटेड होती हैं, जैसे जैप कंपनी का प्रोडक्ट जो है, ये भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं। इनके मोबाइल होल्डर्स और बाकी और भी हेडफोन्स वगैरह और चीज़ें आती हैं, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अदर कंट्रीज़ के अलावा अगर ये जो मेड इन कोरिया ब्रांड है ये ज़्यादा बेटर है। मैं और भी कोरियन ब्रांड्स यूज़ कर चुका हूँ इसके पहले, अलग अलग तरह के, तो ये जो मैं अभी प्रोडक्ट इस समय लेके आया हूँ ये वेस्टीज कंपनी ने लॉन्च करा है। हमारे यहाँ वेस्टीज मार्केटिंग लिमिटेड करके एक कंपनी है, ये देखिए इसने लॉन्च करा है ये प्रोडक्ट। और सबसे लास्ट में मैं इसका रेट बताऊंगा, बाकी पहले इसमें जितनी भी विशेषताएं हैं इसकी, जितना अच्छा मुझे अनुभव हुआ है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, जिससे आप भी अपनी कार को सेफ बना सकें और अच्छे से अच्छा आपको आपकी कार परफॉर्म करके दे सके। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने डब्बे को खोल दिया, ये देखिए जल्दी जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है फ्यूल सेविंग अप टू 5-15%। सेकेंड नंबर पे है बेटर माइलेज। तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये एक तरह का लिक्विड है जिसे हम अपने क्या कहते हैं इंजन ऑयल में, इंजन ऑयल की जो कैप होती है उसको ओपन करेंगे और इसको नियर अबाउट 50 टाइम्स शेक करके और हम उसमें पुल कर देंगे और उसके बाद कैप को बंद कर देंगे। आफ्टर दैट हमें अपनी गाड़ी को लगभग 25-30 मिनट स्टार्ट करके छोड़ देना है, जिससे कि ये जो लिक्विड है ये गाड़ी के इंजन में पूरी एक तरह की कोटिंग कर सके और लेयर बना सके। और अगर मान लीजिए हम गाड़ी को स्टार्ट करके नहीं छोड़ रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर जाते हैं कहीं, लगभग एक घंटे का रन उनका, आधे घंटे का रन होगा, तो उसमें गाड़ी चल जाएगी। तो फिर आप उसको डाल करके, मैंने एक्चुअली ऐसा ही करा था, मैंने गाड़ी को स्टार्ट करके नहीं छोड़ा था, मैंने इसको गाड़ी में डाला था और उसके बाद इंजन बंद करके गाड़ी स्टार्ट करके मैं चला गया था 20-25 किलोमीटर। तो अब मैं इसकी विशेषताएं बताऊंगा आपको। इतनी सारी विशेषताएं इसमें दी हुई हैं फ्रेंड्स, ये देखिए पास से मैं आपको आके दिखाता हूं। लेकिन मेरे पास स्कॉर्पियो है,
और सफारी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बेटर चीज़ें मुझे लगी, ये हर जो डीजल कार वाला क्या कहते हैं व्यूअर मेरा देख रहा होगा इसको, उसे बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, देखिए ये देखिए, रिड्यूस नॉइज एंड वाइब्रेशन लेवल्स, ये देखिए। तो फ्रेंड सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारी डीजल गाड़ी में नॉइज कम हो जाए, वाइब्रेशन लेवल कम हो जाए, तो एक कितना बेटर एक्सपीरियंस हम लोगों की गाड़ी हमको देती है, ये हम सब लोग से बेहतर कौन जान सकता है। तो मैंने इसको दोस्त लगभग 4-5 दिन पहले अपनी गाड़ी में डाला था, और गाड़ी वैसे भी मैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे फ्रेंड ने ये मुझे रिकमेंड करा था और उनकी बात मान के मैंने इसे यूज़ करा। और आप यकीन मानिए, मैंने इसको जब अपनी गाड़ी में डाला तो साउंड 50% कम हो चुकी थी, जो नॉइज़ अलग तरह की नॉइज़ आती थी। थोड़ा सा डीजल गाड़ी में आप जानते होंगे, चाहे जितनी मेंटेन रखो आप, आती ज़रूर है। तो फ्रेंड्स वो गायब हो गई, और पिकअप 40% इंक्रीज हुआ गाड़ी का। क्यों आप सोचोगे, ऐसा क्या जादू है इसमें जिस वजह से ऐसा हुआ? फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दो दिख रहे होंगे ये पॉइंट्स, इसमें क्या है, यहाँ लिखा है बिफोर, ये देखिए साउंड आ रही होगी आपको, मैं और पास लाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये खुरदुरी सरफेस है। जैसे हमारे पार्ट्स आपस में टकराते हैं, अंदर रगड़ते हैं, जिस वजह से उनमें इस तरह का कट पड़ जाता है और इस तरह के निशान पड़े हुए होते हैं। तो जब उनमें निशान पड़े हुए होंगे इस तरह के, तो जाहिर सी बात है वो वाइब्रेशन करेंगे, कुछ ना कुछ साउंड करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसको डालने के बाद ये देखिए, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ये देखिए जहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ है, ये इस आफ्टर को मैं ऐसे करके, ये देखिए इसको भी मैं फिंगर से कर रहा हूँ, नो साउंड। ये डेमो है जो मैंने देखा, उसके बाद मैंने इसे अपनी गाड़ी में यूज़ करा, और फ्रेंड्स जैसे ही यहाँ दिख रहा है इसी तरह सेम ये गाड़ी में भी रिस्पॉन्स करता है। तो मेरी गाड़ी का पिकअप अच्छा हो गया, नॉइज़ काफ़ी हद तक कम हो गई। और फ्रेंड्स अब लास्ट में मैं बताता हूँ कि इसकी कॉस्ट क्या है। 1870 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपको वेस्टीज पे 1600 रुपीज़ का मिलेगा डिस्काउंट करके। अब बहुत से लोग कहेंगे 1600 रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट मैंने भी अपने फ्रेंड से यही बोला था, और शुरू में मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैंने इसे परचेज नहीं करा। फिर उसने मुझे ये अपनी तरफ से ला के दिया कि भाई तुम अपनी गाड़ी में इसको यूज़ करो, जब तुम्हें सही लगे तब तुम मुझे पैसे देना। तो फ्रेंड्स जब उसने इतना प्रेशर डाला मेरे ऊपर, तो मैंने कहा कि क्या कहते हैं, ठीक है मैं इसको यूज़ करता हूँ। और फिर मैंने जो है इसे यूज़ करा अपनी गाड़ी में, और फिर आज ही मैं उनको पैसे दे करके आया हूँ 1600, और मैंने उन्हें थैंक्स भी बोला कि मुझे इतनी अच्छी चीज़ सजेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स जिस तरह मैं सेटिस्फाइड हूँ, उसी तरह मैं चाहता हूँ मेरे व्यूवर्स भी सेटिस्फाइड हों, उन्हें भी बेटर फील हो। और 1600 रुपये नथिंग, एक SUV के लिए तो 1600 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं, बिकॉज 10,000 किलोमीटर पे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कोटिंग लास्ट, ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए, मैं नहीं दिखता हूँ, जब मैं आपको ये दिखाता हूँ तो मैं छुप जाता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये दिखना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे 30,000 लिखा हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम गाड़ी की सर्विस 10,000 किलोमीटर पे कराते हैं, एक आदमी को 10,000 किलोमीटर चलाने के लिए, अगर वो बहुत ज़्यादा चलाता है और मतलब क्या कहते हैं उसका यूज़ अगर वो कॉमर्शियल उसमें करता है, या मान लीजिए कोई ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर टाइप का मेरा व्यूअर है, तो उसको 6 महीने लगेंगे। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा होगा तो 10 महीने 12 महीने आप मान के चलो। तो सोचिए अगर 10 महीने या 12 महीने पे हम सर्विस करा रहे हैं 10,000 किलोमीटर की, तो ये 30,000 चलेगा, मतलब 3 साल। फ्रेंड्स 3 ईयर्स बहुत होते हैं,
1600 रुपीज़ और 3 ईयर्स, आप कैलकुलेट कर लीजिए 36 महीने के हिसाब से 1600 रुपीज़ को कुछ नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 500 रुपये, 550 रुपये के आसपास महीने का खर्चा आएगा, उसमें हमारी 18 लाख 20 लाख मिनिमम 12 लाख की तो गाड़ी होती ही है, 12 लाख से 20 लाख तक की गाड़ी को हम अच्छे से सेफ रख सकते हैं अंदर से। ऊपर से तो हम गाड़ी को पोंछ लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अंदर से अभी भी हम गाड़ी के बारे में नहीं जानते हैं कि इंजन से क्या चीज़ क्यों आवाज़ कर रही है। तो फ्रेंड मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, आप में से जो भी व्यूअर्स इसे लेना चाहें वो वेस्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, आप गूगल भी कर सकते हैं, इसके तमाम स्टोर्स आपके यहाँ आपके शहर में ही होंगे, जब आप उनको सर्च करेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि कहाँ पे आपके ये स्टोर्स हैं, आप वहाँ पे जाकर के अपनी आईडी बना सकते हैं जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर ये 1870 रुपये का है तो आपको 1600 के आसपास मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स सारी जानकारी मैंने आपको इस प्रोडक्ट की दे दी है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और फ्रेंड्स आप इसे यूज़ करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। किसी के पास बाइक है तो वो बाइक में इसको डाल सकता है, बाइक वाला 1200 के आसपास आता है, ये कार के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। किसी व्यूवर्स के पास बस है, ओकलैंड है, ट्रक्स हैं, सब में काम करेगा ये और रिस्पॉन्स अच्छा देगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, जिससे कि मुझे भी खुशी होगी कि मैंने आपके लिए अगर वीडियो बनाया, आपको कोई चीज़ सजेस्ट करी तो आपको अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाय।